भारत और म्यांमार मणिपुर के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं, जिसमें से 398 किलोमीटर की सीमा रेखा मणिपुर से जुड़ी हुई है। इस सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के रिश्ते नस्ली और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। 2018 में स्थापित हुआ फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसे FMR भी कहते हैं, उसकी वजह से वहाँ के लोग बिना किसी लाइसेंस या पासपोर्ट के सीमा के आर पार 16 किलोमीटर तक आ जा सकते थे। 3 मई से शुरू हुई मणिपुर की हिंसा आज भी सुलगने का नाम नहीं ले रही है। 3 मई से आग में झुलस रहा मणिपुर आज भी सुलगा नहीं है। अगर वहाँ के मौजूदा हालात की बात करें तो आपको बता दें, इस समय मणिपुर में सरकारी दफ्तर से लेकर वहाँ के जिलों तक सब कुछ 2 समुदाय में बट चुका है। पहले 16 जिलों में 34 लाख की आबादी में मेतई कुकी समुदाय के लोग एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब कुकी बहुल क्षेत्र में चूरचांदपुर, टैंगनोपाल, कांको कपी, थायजौल, चांदेल में रहने वाले लोगों में कोई भी मेतई समुदाय के लोग नहीं बचे हैं। तो वही मेतई बहुल इलाके में इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, विष्णुपुर, थाउबल, कांगचिक, कपीसन में जो मेतई समुदाय के लोग रहते थे वो भी कुकी चले गए हैं। और इसी हिंसा की वजह से मेतई डॉक्टर कुकी इलाकों के अस्पतालों को छोड़कर वहां से चले गए हैं। इस दौरान वहां मरीजों का इलाज करने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो वही दूसरी ओर सबसे ज़्यादा असर वहां की शिक्षा पर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12,104 स्कूली बच्चों का भविष्य अटक गया है और वहाँ के बच्चे राहत कैंपों में अपने दिन गुजार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिसंबर को कुकी समुदाय के 19 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार कांगपो कपी में किया गया। बता दें, ये शव पिछले 8 महीने से मोर्चुरी में रखे हुए थे और इन शव के अलावा 41 शवों को चूरचांदपुर भेजा गया। उन 41 शवों का अंतिम संस्कार मोर्चुरी में रखे 46 शवों के साथ 20 दिसंबर को किया जाएगा। बता दें, 16 दिसंबर को पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता ने बताया कि मणिपुर में हिंसा की सबसे बड़ी वजह वहां के कुकी मेतई समुदाय के लोगों के पास भारी संख्या में हथियारों की मौजूदगी और म्यांमार से अस्थिरता है। तो वही दूसरी ओर मणिपुर सरकार का दावा है कि म्यांमार में नशीले पदार्थों की खेती और वहाँ से मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अवैध प्रवासियों का आगमन हिंसा की वजह है। इसी वजह से वहाँ की हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बजाय थमने के। उम्मीद करते हैं कि हिंसा से झुलस रहा मणिपुर में जल्द ही हालात सामान्य हो, हजारों लोग जो बेघर हुए हैं उन्हें अपना घर वापस मिले, स्कूल और कॉलेज फिर से खुले, जिससे वहाँ के छात्र अपने शैक्षणिक संस्थानों में वापस जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटना हुई है उस घटना पर संज्ञान लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा के समर्थन में जल्द से जल्द और कड़े से कड़े कानून बनाए जाए, जिससे फिर से हमारे हिंदुस्तान को नग्न ना होना पड़े, जिससे फिर से हिंदुस्तान में रूह कपा देने वाली स्थिति कभी पैदा ना हो और वहां जो 2 जातियों के बीच टकराव चल रहा है वो टकराव भी जल्द से जल्द खत्म हो। नमस्कार।